ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या न्यूज इंडिया 27 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। घरगुती कारणामुळे 5 चारचाकी वाहने तात्पुरती वापरण्यास घेत येवल्यात एका व्यक्तीकडे सर्व वाहन गहाण ठेवून लाखो रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचा प्रकार जुन्या नाशकात उघडकीस आलाय। माझे 2 इर्टिका गाड्या आहे, आती पाणी बादशाने माझ्या इथनं घेऊन गेले होते नवऱ्याच्याकडनं। मने लग्न आहे आणि अजमेरला जायचंय म्हणून 4 महिन्यापासून त्यांनी माझ्या मिस्टरांकडनं गाडी घेतली भाड्या तत्वाने। म्हणे हप्ते आम्ही लोनचे भरून टाकू दे म्हणून मागे लागले। आती पाणी बादशाने या दोघांनी गाड्या नाण्यावलीमधनं माझ्या मिस्टरांकडनं घेऊन गेले। 1-2 माझे मिस्टर गेले पैसे मागायसाठी की पैसे दे, बँकेचा हप्ता आहे, घराचं पण टेन्शन आहे, 3 मुलं आहे, काही ना काही करायचं आहे मला, तर ते ना पैसे देता ना गाडी देत आहे। धमक्या द्यायचे माझ्या नवऱ्याला की तुला काही पण आम्ही करून टाकेल, असं करेल तसं करेल म्हणून माझे नवरे 4 महिन्यापासून गरके मारून मारून थकले। शेवटी मी 15 दिवस पहिले अर्जी नोंदवली होती भद्रकाली पोलीस स्टेशनमध्ये, तिथे पण त्यांनी काही ॲक्शन नाही घेतला। या प्रकरणी संबंधित विरोधात गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ केली जात आहे। भद्रकाली पोलीस ठाण्यात वाहन मालकाकडून लेखी तक्रार अर्ज देण्यात आले आहेत। भद्रकाली पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेल्या लिखित तक्रार अर्जावर रिजवान शाह, जोहेब शेख, इरफान सय्यद, अनिस उमर शेख, असलम शेख, शमीम काजी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। तक्रार अर्जात म्हटलं आहे की लॉकडाऊन असल्यामुळे घरगुती कारणामुळे अल्ताफ इनामदार उर्फ बाबा राहणार गंजमाळ आणि याकूब शाह राहणार नाणावली यांनी चारचाकी वाहने वापरण्यास घेतली, तसेच ही वाहने त्यांनी येवल्यातील शेरू पैलवान भंगारवाली यांच्याकडे गहाण ठेवली आहेत। वाहने परत मागण्यास गेल्यानंतर दमदाटी करत वाहने परत करण्यास नकार देत आहेत। गेल्या 15 दिवसापासून भद्रकाली पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते। मेरे से इसका बोल के लेके गया था दवाखाने का, गाड़ी ले जाने के बाद में मेरे से 8 दिन का बोला, 8 दिन के बाद में भी पैसा दूंगा बोले। 8 दिन के बाद में पैसा देने के बाद में मेरे को बाद में उत्तर देने को लगा, मैं गाड़ी ला के देता हूँ करता हूँ ऐसा बोल रहा मुझे। उसके बाद में बोलता मेरे को क्या, मैं गाड़ी तुम्हारा COVID-19 में लगा रहा हूँ मैं, और बोले 1-2 महीने के लिए लगेगा। मैं भद्रकाली में गया, अर्जी दिया, अर्जी देने के बाद में मेरा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा उसके बारे में। सुनवाई होने के बाद में मैं अर्जी देने के बाद में बोलते हैं मैडम, बोलते हैं सर का सही बाकी है, मैडम का सही बाकी है। अभी ये बोलते हम थक गए, अभी इधर आए हम अर्जी लेके, अभी इधर मैडम भी नहीं है। भद्रकाली में मैं 15 दिन चक्कर मारा, मैं 15 दिन चक्कर मारने के में भी कुछ नहीं, आज गए थे तो आज भी यही बोल रहे हैं हमारे को। मैं भद्रकाली पुलिस स्टेशन में मैंने अर्जी दिया था 31/5 को, तो जब से मैं राउंड मार रहा हूँ भद्रकाली में, जब से मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर ने बोले थे 2 दिन में होएगा, 2 दिन से भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 12 दिन हो चुके हैं, हमारी गाड़ी नहीं मिल रही है, हमें पसवानी करे और दवा खाने का लिए बोल के लेके गया था, 10 से 12 दिन का बोल के लेके गया था दवा खाने के लिए, कोरोना का बोल के लेके गया था, इसके लिए हमने गाड़ी दिए थे। अभी लॉकडाउन है तो हमारी भी परिस्थिति नहीं है, इसके लिए हमने गाड़ी हमारा दिया था दवा खाने का बोला था। तो अब उसने मुझे सिर्फ 8,000 रुपये किराया बोल दिया था, हम बोला था जो भी रहेगा वो दे देंगे, अभी तक मुझे किराया भी नहीं मिला। और मुझे पता चला गया उसने फसवानी करा, हमने जाके भद्रकाली में 31/5 को हमने अर्जी किए सर के बोलने पे। अब 12 दिन से हम राउंड मार रहे हैं पर हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए आज हम कमिश्नर ऑफिस में आए। उपायुक्त सर इथे CP ऑफिसमध्ये आम्ही आलो, 15 दिवसापासून आम्ही इथे गरके मारून मारून अक्षरशः कंटाळून गेलेलो आहे। मीच नाही, असे 15-20 लोक आहे ज्यांचे गाड्या आहे, हे लोकांनी ना 3-4 असे 5 करून टाकलेले, कोणाचे पार्ट काढले, कोणी चोरी मारी केलेली आहे। आता हे लोक पण काय करणार आहे, यांचे पण मुलं बाळे, बँकेचे हप्ते आम्ही किती वैतागलो आहे, आमचं काही ना काही करायला पाहिजे, नाही तर आमचे मुलासहित आम्हाला काही ना काही करावं लागेल, आम्ही खूप वैतागलेलो आहे। अनिल केदारेसह अश्विनी पुरी, न्यूज इंडिया 27, नाशिक।